ऋतिक रोशन जल्द ही अपने पापा के साथ मिलकर सुपर हीरो फिल्म सीरीज क्रिश का चौथा पार्ट लाने के लिए तैयार है। जी हां, हाल ही में खबरें आई थी कि इस फिल्म पर काम शुरू कर दिया गया है और इस फिल्म में ऋतिक रोशन खुद ही हीरो और विलन दोनों के रोल में दिखेंगे, यानी कि डबल रोल में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस फिल्म में ऋतिक के ऑपोजिट कौन सी एक्ट्रेस होगी। तो आपको बता दें, अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पांच एक्ट्रेसेस में से एक हो सकती है इस फिल्म की हिस्सा। नंबर वन, प्रियंका चोपड़ा। अपनी एक्टिंग से हॉलीवुड और बॉलीवुड में जादू बिखेरने वाली प्रियंका चोपड़ा इस लिस्ट में नंबर वन पर है। और भाई हो भी क्यों ना, प्रियंका क्रिश सीरीज का अहम हिस्सा जो है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो क्रिश 4 के लिए भी प्रियंका को अप्रोच किया जा सकता है। नंबर टू, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट नई जनरेशन की सबसे जबरदस्त एक्ट्रेस है। उन्होंने हर बार अपनी सुपर एक्टिंग से ये साबित किया है कि वो भी किसी से कम नहीं है। ऋतिक ने अभी तक आलिया के साथ काम नहीं किया है, ऐसे में इस जोड़ी को बड़े पर्दे पर पहली बार देखना काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। नंबर थ्री, कैटरीना कैफ। ऋतिक और कैटरीना की जोड़ी पहले जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और बैंग बैंग में हम देख चुके हैं, इन दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी थी। हो सकता है कि क्रिश सीरीज का हिस्सा कैटरीना बने। नंबर फोर, तापसी पन्नू। टॉलीवुड में तो ये एक्ट्रेस अपनी एक्टिंग से लोगों को इम्प्रेस कर चुकी हैं, लेकिन बॉलीवुड में भी उनका चांद कायम है। तापसी ने अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार के साथ काम किया और ये कोई चौंकाने वाली बात भी नहीं होगी अगर उन्हें क्रिश 4 के लिए भी अप्रोच किया जाए। नंबर फाइव, जैकलिन फर्नांडिस। वैसे हो सकता है कि ऋतिक के ऑपोजिट इस बार श्रीलंकन ब्यूटी जैकलिन फर्नांडिस नजर आए। जी हाँ, इस लिस्ट में जैकलिन का भी नाम शामिल है। वेल, आपको क्या लगता है, इन पांच एक्ट्रेसेस में से कौन बनेगी क्रिश 4 का हिस्सा? हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीवुड।